नागदा थाना के पीछे चेतनपुरा में बहुत दिनों से अवैध शराब का गोरख धंधा चल रहा था, जिसके चलते पूरा मोहल्ला परेशान था। कोई भी रहवासी सामने आने से डरता था, लेकिन एक महिला ने हिम्मत दिखाई और शराब माफियाओं को शराब बेचने के लिए मना करने पर इन माफियाओं ने महिलाओं सहित पूरे परिवार को लहू लुहान कर दिया। नागदा में बहुत दिनों से गली गली मोहल्ले में शराब के ठेकेदारों ने घर घर शराब का ठेका खुलवा दिया, जिसकी वजह यह गोरख धंधा करने वाले हौसले इतने बुलंद हो गए कि शराब बेचने के लिए मना करने वालों को उनके सहित पूरे परिवार मारपीट साथ बच्चियों महिलाओं का बलात्कार करने की धमकी देते हैं और उस परिवार को घर से बाहर निकालना दुश्वार कर देते हैं। कैमरा भी तो ऐसा हो रहा है, बोलो। ये देखिए, देश की जनता सब देखिए मेरे तरफ। मेरे से रोज रेप की धमकी देते हैं मुझे लोग, जो दारू का धंधा करते हैं रोज मुझे रेप की धमकी देते हैं। आज मैंने उसका विरोध किया तो उन लोगों ने सबने मेरे ऊपर यहाँ पर देख के चला गया। वो सरेआम घूम रहे और सरेआम कल दारू पी है, इतना मेरे साथ में होने के बाद भी और यहाँ पर घूम रहा है वो हम पे हमला करने के लिए। हॉस्पिटल में भी घूम रहा है वो। तो आपने थाने पे गए थे आप, क्या हुआ फिर थाने पर? थाने पे कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर भेजते हैं हमको। थाने वालों ने कोई एफआईआर लिखी है आपकी? एफआईआर वो वहाँ पर बुला रहे थे लेकिन मैं चलने की हालत में नहीं थी तो यहाँ से बयान लेकर गया। सुनना रख रखा है, उसके बाद दो मोमेडियन है, एक शरीफ है, एक इन्नीस है और एक नहीं, एक और वो क्या नाम उसका, उसका छोटा जवाई सुनील और उसका एक छोटा भाई लखन, आए दिन प्रताड़ित करते हैं। इसके पहले भी किसी के साथ हुआ क्या ऐसे? इसके पहले भी 5-6 दिन पहले हुआ है, किसी को मारी उन्होंने, आए दिन पाइप लेके घूमते रहते हैं वो। जिस प्रकार से आप प्रताड़ित हो रहे हैं उनका विशेष कारण क्या है, आपके और उनकी दुश्मनी होने का विशेष कारण क्या है? बस वो दारू बेचते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे घर के सामने मत करो, हमारी लाइट चालू रहती है, उनको तकलीफ होती है। जो लाइट लगवाई थी हमने स्ट्रीट लाइट, उसको भी काट के रख ली उन्होंने। अच्छा, अभी कुछ समय अभी कुछ जानकारी ऐसी दी थी कि कुछ पुलिस प्रशासन के कुछ लोग भी मिले हैं, ऐसी कुछ जानकारी है? नहीं, आते हैं वहाँ पर, उनसे मिलते जुलते हैं, रोड डेली आते हैं। अच्छा, उनसे हफ्ता लेके जाते हैं क्या, ऐसा कुछ है? अब ये मैं कह नहीं सकता, मेरे पास प्रूफ नहीं है। अच्छा, प्रूफ थे आते हैं? आते हैं, आते हैं। शराब बिक्री अवैध बिक्री है? अवैध बिक्री है विद ग्राफिक है। अच्छा, आपके पास रिकॉर्ड था क्या पहले कुछ? पहले का नहीं है, हमारा दिवाली के पहले से हमने चालू करा था, इसी कारण से हमारे साथ ऐसा हुआ है। कल शाम 6 बजे की बात है, चेतनपुरा में एक महिला रहती है, उसके पड़ोसी हैं जितेंद्र, विनोद, लखन, चांदनी, सुनील और जूनस, ये 6-7 लोगों ने मिलकर उस महिला के साथ मारपीट की। और मारपीट करने का कारण क्या था कि गोपनीय तरह से हमें भी सूचना लगी थी और उन लोगों का भी कहना था कि मेरा दारू बेचती है चांदनी नाम की जो महिला है, उसका पति जितेंद्र, फिर लोग वहाँ दारू का बिजनेस करती है। सूचना हमें भी लगी थी, अपन ने दबिश भी दी थी, एक आध दो बार भी पकड़ी भी गई, कार्रवाई भी हुई है। इसी बात को लेके इन आरोपी गढ़ों ने महिला के साथ मारपीट की, काफ़ी मारपीट की थी, घर में घुस के मारपीट की लाठी से और पाइप वगैरह से काफ़ी मारपीट की। जिसमें कल ही मुकदमा कायम कर दिया था, FIR हो गई थी, 452-147-48-2-93-3-5-6 और SC/ST एक्ट की अपराध कर लिया गया। और आज इसमें जो मुख्य आरोपी थे, 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसमें जितेंद्र, विनोद और एक अन्य। तो सर, जिसको पीटा गया है वो दारू बेचती थी क्या? जी, जिसको पीटा गया है मतलब इन्होंने जिसको पीटा वो शराब बेचती थी क्या? नहीं नहीं, जे लोग आरोपी का शराब का बिजनेस करते हैं तो उन्होंने आपत्ति ली होगी उस लेडीज को। आपत्ति दी है सर। फरियादी और फरियादी के परिवार का ये कहना है कि लाठी और पाइप के अलावा कोई हथियार भी लेके आए थे। आरोपी के खिलाफ पहले भी कोई पूर्व में कोई अपराध है? बिल्कुल है, इसमें आरोपी जितेंद्र को आर्थन अपराधी है, आरोपी विनोद है वो भी आर्थन अपराधी है, जितेंद्र के ऊपर पूर्व के 8 अपराध है और विनोद के ऊपर 5 अपराध है। जितेंद्र जिला बदर भी रह चुका और NSA की कार्रवाई भी हो चुकी थी उसके ऊपर, समय समाप्त होने के बाद फिर आगे उसने फिर लड़ाई झगड़ा किया। सर, ये जो आरोपी हैं ये इन लोगों का इतना खौफ है कि पूर्व में भी किसी महिला के साथ इन्हीं लोगों ने इसी प्रकार से मारपीट की गई थी, तो ये विषय भी आपके थाने पे आया होगा मामला? थाने पे मैटर तो नहीं आया लेकिन वास्तव में इन लोगों का इतना भय है कि कुछ लोग डर के मारे रिपोर्ट करने तक नहीं आते।